असलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल हेना पाउडर को घर पर ही सिंपल प्रोसेस से ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देखिए ये है नॉर्मल हेना पाउडर, यानी सेमी स्ट्रिंगी हेना पाउडर, थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ हेना पाउडर है। आप मार्केट से जो भी ब्रांड वाला, जो भी क्वालिटी वाला, जो भी हेना पाउडर को ले ले, बट उसको इस तरह घर पर ही सिंपल से ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रही हूँ एक बॉल, तो बॉल इस तरह चौड़ाईपन में रहे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ शिफान दुपट्टा। हेना पाउडर को अच्छे से फिल्टर करने में इस तरह का शिफान फैब्रिक, इसकी हेल्प से हेना पाउडर को अच्छे से बारीक से छान सकते हैं। तो फर्स्ट हम दुपट्टे के एक कॉर्नर साइड को बाउल के ऊपर से इस तरह कवर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि दुपट्टा सारे बाउल को कवर करे, यानी राउंड शेप में जिस तरह बाउल रहा उस शेप में टॉप एंड बॉटम को कवर करे। तो देखिए इस तरह, तो इस तरह दुपट्टे को एक ही तरफ करके पकड़कर, दुपट्टे को थोड़ा सा टाइट पकड़कर, और एक हाथ से हमें हेना पाउडर को स्ट्रेन करना है। आप जितना अमाउंट में हेना पाउडर को फिल्टर करना चाहते हैं उतना अमाउंट में आप कर सकते हैं, पर याद रखें अगर आप हेवी अमाउंट में हेना पाउडर को एक ही ट्रिप में फिल्टर करना चाहते हो तो जो हमने बाउल लिया हुआ है उसका साइज भी बड़ा रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 स्पून हेना पाउडर को फिल्टर कर रही हूँ। छोटे से बाउल में हेवी अमाउंट में हेना पाउडर डालकर फिल्टर ना करें, क्योंकि साइडों से गिर जाने की वजह से हेना पाउडर वेस्ट हो जाएगा। आप इसको बैचेस वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्किप करके बता रही हूँ, क्योंकि ये मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लगेगा ही लगेगा टाइम। तो ये देखिए फाइनल में इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स बस जाएंगे। इसकी वजह से कोन्स अप्लाई करते वक्त रुकावट भी हो सकती है, और हेना पेस्ट थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रिप में फिल्टर किया हुआ हेना पाउडर। तो देखिए सारा डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स जितना भी रहा हम इसको रिमूव कर देंगे। अब देखेंगे हमारा 1 टाइम में फिल्टर हुआ हेना पाउडर। तो देखिए एक ट्रिप में फिल्टर करने पर ही हेना पाउडर कितना स्मूथ बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 ट्रिप फिल्टर हुआ हेना पाउडर को फिर से फिल्टर करेंगे, यानी फिर से छानेंगे। तो इसको फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ पर लेती हूँ अनदर बॉल, दुपट्टे का अनदर साइड यानी और एक कॉर्नर को फिर से हम वैसे ही सेट करके पकड़ेंगे। याद रखें दुपट्टे को लूज ना करें। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहली बार स्ट्रेन किया था, चाहे अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको छान सकते हैं, या स्पून की हेल्प से भी हम इसको छान सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रिपल फिल्टर वाला हेना पाउडर यूज करें। तो इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे ये होता है कि हेना पेस्ट स्मूथ एंड सिल्की बनता है, स्पेशली हम हाथों पर अप्लाई करने के लिए कोन में रुकावट नहीं होती, और ख़ास करके स्पेशली ब्राइडल्स के लिए तो ये हेना पाउडर मस्ट एंड शुड है। और ब्यूटी पार्लर्स में ब्राइडल्स पैकेज के लिए ख़ास करके 5 फिल्टर हेना पाउडर भी यूज़ किया जाता है, यानी जितनी बार हम फिल्टर करते जाएंगे उतना ही पेस्ट स्मूथ एंड सिल्की बनेगा। तो इसका रिजल्ट हम बनाते वक्त भी, यानी फिल्टर करते वक्त भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हेना पाउडर कितना स्मूथ हो रहा है, और इसका रिजल्ट तब दिखेगा कि जब हम इसको अप्लाई करते वक्त, यानी कोन से हम अप्लाई करते वक्त इतना स्मूथ रहेगा, इतना सिल्की रहेगा कि कोन एकदम स्मूथ रहेगा, रुकावट नहीं होगी और थोड़ा भी हार्ड नहीं दिखेगा। तो ये हो गया सेकंड ट्रिप में फिल्टर किया हुआ हेना पाउडर। आप इस पाउडर को टच करके भी फील कर सकते हैं कि कितना स्मूथ हो रहा है।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्किप करके बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, यानी बहुत ही पेशेंसी से करना पड़ता है कि टाइम लगेगा। मिनिमम एक ट्रिप करने के लिए 5 to 10 minutes लगेगा। तो अब है फाइनल, यानी ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर, यानी ताड़ टाइम अब हम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर दुपट्टे के कॉर्नर्स को चेंज करते हुए फोल्ड करके रख रही हूँ। तो आप इसी तरह घर पर 5 फिल्टर हेना पाउडर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस बात का गौर कीजिएगा कि हम जस्ट 2 स्पून हेना पाउडर को फिल्टर करने के लिए ही इतना टाइम ले रहा है। तो हम केजी वाइज, 2 केजी वाइज इस तरह बाय करते हैं, तो वो ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर रहा तो उसका कॉस्ट ज्यादा रहेगा। अगर 5 फिल्टर हेना पाउडर रहा तो और कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तो इसका रीजन भी यही है कि ये बहुत ही पेशेंसी से करने वाला काम है। तो मैं यहाँ पर सेमी स्ट्रिंगी हेना पाउडर का यूज कर रही हूँ, इसलिए फाइनल में उतने पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। पर आप मार्केट वाला, चाहे कोई भी ब्रांड वाला हेना पाउडर हो, आप इस तरह इसी प्रोसेस में ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर इसी तरह फिल्टर करके देखें, आपको ज़रूर फाइनल में छोटे छोटे लाइक छोटे डस्ट की तरह निकलेंगे। तो आप इसी तरह ट्रिपल फिल्टर हेना पाउडर घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। पर याद रखें, जिस दिन हम मेहंदी का पेस्ट बना रहे हैं उसी ही दिन इस तरह प्रिपेयर ना करें, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकन लगेगा। तो इसके लिए जब भी आप फ्री रहेंगे उस वक्त इस तरह पाउडर को फिल्टर करके एक बॉक्स में स्टोर करके रख लें। तो ये देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स 3 बार फिल्टर करने के बाद भी, और ये रहा हमारा ट्रिपल फिल्टर होममेड हेना पाउडर। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई या हेल्पफुल दिखी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह मेहंदी के नेल्स, मेहंदी के अरख के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस विद टिप्स के साथ आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी जोया। अल्लाह हाफिज़।